हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज़ एंडोस्पर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली आप देखोगे जब एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन होगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इतना आसान क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिगार्ड टू आवर फूड एंड ऑल्सो टू दैट फूड ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में इनका, इस एंडोस्पर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो बेबी प्लांट को डेवलप होने में, बेबी प्लांट को जर्मिनेट करने में, कुछ प्लांट्स में मदद करता है। तो इस टॉपिक का क्या नाम है? एंडोस्पर्म। याद रखना, एंडोस्पर्म को अगर आप डिफाइन करोगे, इट इज़ डिफाइनड एज, अगर कल को आपको डिफाइन करना होगा, इट इज़ डिफाइनड एज न्यूट्रिटिव टिश्यू। ऐसे ही हम लिखते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू। देखो, यहाँ से ही आपको पता चलेगा ये रोल क्या है इसका। इट इज़ ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो हम चीज़ें बोलेंगे आगे वीडियो में, लेकिन पहले आप डेफिनेशन इसकी याद करो। इट इज़ ए टिश्यू हुज मेन रोल इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दैट इज़ वाई इट इज़ डिफाइंड एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। सर, ये कहाँ पर बनता है? यूजली इट इज़, आप देखना, इट इज़ ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में ये ट्रिप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म्स। और याद रखना, क्यों? क्योंकि ये बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। वो ट्रिपल फ्यूजन क्या है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो जो 2-3 बनाए हैं उसमें बोला है। इट इज ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म्स। यहाँ मैं डिफरेंस दिखाऊंगा आपको। इट इज ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म्स बट हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म्स। बहुत ही आसान, हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में यह हैप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि इन एंजियोस्पर्म्स इट इज फॉर्मड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, बट इन जिम्नोस्पर्म्स इट इज फॉर्मड, याद रखना, इट इज फॉर्मड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। कौन फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है? दैट इज एंडोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म्स इज फॉर्मड बिफोर फर्टिलाइजेशन, बट इन एंजियोस्पर्म्स इट इज फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दैट इज व्हाई इट इज हैप्लॉइड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, बट इट इज ट्रिप्लॉइड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एज इट इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। बहुत ही आसान चीज है। तो कहाँ से बनता है, कहाँ पे बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम देखेंगे। मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, वो आप देखना प्लीज। ये हमारा कार्पल है, ये इसके 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ओव्यूल है, ये हुआ ओव्यूल यहाँ पे, और ये यहाँ पे बीच में एम्ब्रियो सैक है। दिस इज एम्ब्रियो सैक। अगर ये एम्ब्रियो सैक है, प्लीज, अगर ये एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे 2 सेल्स हो, 2 न्यूक्लिये होते हैं, जो हमने पहले बोला। यहाँ पे हम कुछ नहीं टच करेंगे, यहाँ पे जाइगोड बनता है, ये 2 साइनर्जिड्स है। बहुत ही आसान, दीज आर 2 साइनर्जिड सेल्स, दिस इज द एग, एंड दीज आर 2 पोलर न्यूक्लिये, दीज आर 2 पोलर न्यूक्लिये, विद दीज 2 पोलर न्यूक्लिये, वन मेल गेमिट फ्यूजेस। अब देखो, ये मेल गेमिट हुआ, ये 2 पोलर न्यूक्लिये हुए, तो यहाँ पे कितने न्यूक्लिये फ्यूकुल है? 3 न्यूक्लिये है, 3 न्यूक्लिये। जब ये 3 न्यूक्लिये फ्यूज हो जाएंगे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, TRIPLEFUSION, ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लिये। अब इस ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, इस ट्रिपल फ्यूजन से बनता है हमें पेन, PEN, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पेन? देखो, फिर से मैं बोलता हूँ, एज अ रिजल्ट ऑफ सेकंड फर्टिलाइजेशन इवेंट इन विच वन मेल गेमीट आउट ऑफ 2 मेल गेमीट्स रिलीज बाय द पोलन ट्यूब, वन फ्यूजेस विद एग, अनदर फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लिये। तो जो पोलर न्यूक्लिये और मेल गेमीट का फ्यूजन हुआ, उससे क्या बना यहाँ पे पेन? व्हाट इज पेन? इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। याद रखना, इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। फिर से मैं बोलता हूँ, इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर बिकॉज हियर यू विल सी एन न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस हुए कुल? एन हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड और फिर ट्रिप्लॉइड, दैट मीन 3 न्यूक्लिये गेट फ्यूज्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ट्रिप्लॉइड एक न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस का क्या नाम है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस
का काम क्या है, यही बनाएगा स्ट्रक्चर। सर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म, ये पेन जो है यही बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो हम पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म, और याद रखना पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट यहाँ पे बना लेकिन जाइगोट रेस्ट करता है, जाइगोट जल्दी नहीं करता है कि इसमें डेवलप होने में इंटू द एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म। अब देखो अगर एंडोस्पर्म नहीं बना, अगर एंडोस्पर्म नहीं बना ये समझ लेना आप कि जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, क्योंकि जाइगोट को चाहिए न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन कौन देगा, वो न्यूट्रिशन देगा एंडोस्पर्म। दैट मीन्स अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एम्ब्रियो है एंडोस्पर्म है, इन दोनों में से पहले कौन बनता है, इन दोनों में से पहले बनता है एंडोस्पर्म, क्योंकि इसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जाइगोट को फॉर इट्स डेवलपमेंट इनटू द एम्ब्रियो। तो फिर कहाँ से बना ये एंडोस्पर्म, ये पेन से बना। पेन का क्या नाम है, यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, वो ट्रिप्लॉइड होता है। कहाँ से बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, जिसका हमने बार बार जिक्र यहाँ पे किया। अब एंडोस्पर्म में क्या होता है, इसमें आप देखोगे रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते जो गजा चाहिए इस एम्ब्रियो को फॉर इट इज़ डेवलपमेंट। ये रिजर्व फूड आप देखोगे, हम कोकोनट खाते हैं कभी, आप देखना दैट कोकोनट, वाइट कोकोनट, वाइट पार्ट ऑफ द कोकोनट, दैट इज एंडोस्पर्म। हम राइस खाते हैं, राइस में अगर आप देखोगे वाइट राइस जो हम खाते हैं राइस, तो दैट इज ऑल्सो द एंडोस्पर्म। या हम मेज़ खाते हैं, मेज़ में भी एंडोस्पर्म होते हैं, होता है। दैट मीन्स दिस एंडोस्पर्म इज रिच इन न्यूट्रेंट्स, इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रेंट्स एज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द जाइगोट फॉर इट इज डेवलपमेंट और फॉर द एम्ब्रियो फॉर इट इज जर्मिनेशन। अब देखो ये तो हमने चीज़ें बोली, दैट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, बिफोर दैट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब चीज़ें कहाँ देखें, लुक हियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तीन टाइप्स है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इसके तीन टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे। तो फिर आज का वीडियो इतना ही रहेगा, लेकिन टाइप्स पढ़ेंगे। नंबर वन, तीन टाइप्स है, थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, लेकिन किस बुनियाद पर, थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म लेकिन किस, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, दैट विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट की बेस पे थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स है। नंबर वन जो कॉमनेस्ट है, दैट इज न्यूक्लियर टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नंबर वन न्यूक्लियर टाइप। नंबर टू क्या है, सेल्यूलर टाइप, बहुत ही आसान, सेल्यूलर टाइप। एंड नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री इज हेलोबियल टाइप। कितने टाइप्स है एंडोस्पर्म के, तीन। नंबर वन क्या है, न्यूक्लियर टाइप। नंबर टू क्या है, सेल्यूलर टाइप। नंबर थ्री क्या है, हेलोबियल टाइप। लेकिन याद रखना इनमें जो कॉमनेस्ट है, दैट इज न्यूक्लियर टाइप। आप देखोगे फुइनेक्स डैक्टिलिफेरा में, दैट इज डेट पाम में, आप देखोगे इसको कोकोनट में, आप देखोगे इसको मेज में, आप देखोगे इसको राइस में, आप इन प्लांट्स में आप देखोगे, दैट इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड। एंड सेल्यूलर टाइप ऑफ प्लांट्स, सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑल्सो फाउंड इन सम प्लांट्स, लाइक इन पिटूनिया एंड लाइक इन दतूरा पिटूनिया। और हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज द कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहाँ पे पाया जाता है, लिखेंगे हम नंबर वन ये मेज में लिखूंगा यहाँ पे, इट इज द कॉमनेस्ट टाइप, मेज में, राइस में, बहुत ही आसान। फिर कहाँ में, कोकोनट में और फोइनेक्स हुआ, फोइनेक्स डैक्टिलिफेरा, ये हुआ खजूर। और ये सेल्यूलर कहाँ पे, पिटूनिया में, ये दतूरा में। और ये हेलोबियल टाइप, इट इज लेस कॉमन, इट इज फाउंड इन एस्फोडेलस।
देखो दीज आर द एग्जाम्पल्स, देखो न्यूक्लियर कहाँ पे, मेज में, राइस में, कोकोनट में, फोइनेक्स में। कोकोनट का एंडोस्पर्म आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सेल्यूलर कहाँ पे, पिटूनिया में, दतूरा में, और हेलोबियल कहाँ पे, ये एस्फोडिलस में। आज का इतना ही वीडियो रहेगा, जिंदगी अगर हुई तो अगले वीडियो में हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाट इज सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, एंड व्हाट इज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, क्या डिफरेंस है इनमें, कि कैसे डेवलपमेंट होता है। तो इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और आप क्या सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो आप देख पाएँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लेकिन इंटरेस्ट के साथ इसको देखना, इंटरेस्ट लगा के इसको देखना, विथ फुल विल पावर से देखना, ताकि चीज़ें समझ आए। जब तक आप में इंटरेस्ट नहीं है सीखने की, तब तक ये समझो कि हम सीख नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट आप में है कुछ करने की, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। उम्मीद है आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के। बाकी आज के लिए इतना। गुड डे, गुड मॉर्निंग।